नमस्कार, मैं डॉक्टर गगनदीप आज आपके सामने एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने आया हूँ। रिसेंटली जो एपिसोड सामने आया है NRS मेडिकल कॉलेज में, ये बहुत ही शर्मनाक एपिसोड है। ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, ये पहले भी हो रहा था, आज भी हो रहा है और कल भी होगा। ये वैंडलिज्म के कुछ हुआ नहीं कि चलो डॉक्टर को पीट दो। क्यों? जैसे आप एक प्रोफेशनल हो, हम भी एक प्रोफेशनल हैं। जैसे आप अपना काम बड़ी शिद्दत से करते हो, वैसे ही हम भी अपना काम बहुत शिद्दत से करते हैं। आपने कुछ सैक्रिफाइसेस किए हैं कहीं पहुंचने के लिए, हमने भी इस जगह पे पहुंचने के लिए बहुत सारी चीज़ों का सैक्रिफाइस किया है। बदले में आप कहते हो कि डॉक्टर गला काट रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, तो कौन सा प्रोफेशन फ्री है? कौन सी सर्विस दुनिया में फ्री में दी जाती है? आप इस बात को समझें, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। और इस एपिसोड में जो सबसे मुझे पर्सनली जो सबसे बुरी बात लगी वो ये थी कि मेडिकोज और हेल्थ केयर प्रोफेशनल को छोड़कर किसी को इस बात की पड़ी ही नहीं है कि उन दो नौजवानों के साथ हुआ क्या। हमारे साथ नहीं हुआ ना, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आप इस बात को समझें, हेल्थ केयर सिस्टम इस सोसाइटी की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज अपने हाथ में लॉ को ना लें। यदि आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है या कुछ अनटूडू हो रहा है, तो आप कंप्लेंट करें, आप कोर्ट में जाएं, आप कंज्यूमर फोरम में जाएं। अपने हाथ में ये मारपीट करना, ये तोड़फोड़ करना, ये सरासर गलत है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज हम डॉक्टर्स के साथ खड़े हों, हमें सपोर्ट करें, हम आपकी सर्विस के लिए हैं। प्लीज, मेरी अर्जेंट रिक्वेस्ट यही है आपसे, गवर्नमेंट से, कि हमें प्रोटेक्ट किया जाए। और ये कहते हुए मुझे बहुत शर्म भी आ रही है कि आज डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन मांगनी पड़ रही है। प्लीज सपोर्ट अस, सेव द सेवियर। थैंक यू।